हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाइन। तो आज हम बनाने जा रहे पॉट राइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 अंडे फेंट के डालेंगे। इसे हम अच्छे से स्क्रैम्बल करेंगे। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बॉइल्ड चिकन, शिमला मिर्च डाल के 1 से 2 मिनट तक के हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हम 300 ग्राम्स बॉइल्ड राइस डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिजवान सॉस, चिंग्स फ्राइड राइस पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम जाएंगे step 2 पर। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, 1/2 टीस्पून चॉप्ड अदरक, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्ची। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स बोनलेस चिकन, इसे हमने क्यूब्स में कट कर लिए। चिकन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। चिकन अच्छे से कुक हो गया, इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिजवान सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, शिमला मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर स्लरी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाएंगी। देखिए, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। आप चाहे तो इसे और थोड़ी थिक कर सकते। अब हम इसे आपको सर्व करके बताते हैं। सब में पहले हम बोल में डालेंगे राइस। सेंटर में हम स्पेस बना के इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। ये रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। इसे हम स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करेंगे। ये देखिए, हमने पॉट राइस आपको डिश आउट करके बता दिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।